गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉन्टिनेंट में जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट है इन सातों कॉन्टिनेंट्स में, तो क्या है वो देखते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट के सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। और लोवेस्ट पॉइंट है डेड सी, -396 मीटर। ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी या हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है? हाईएस्ट पॉइंट तो माउंट किलिमंजारो, 5951 मीटर। और लेक एसल्स -151 मीटर डीप, जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका सारे, तो माउंट एमसी केनली, 6194 मीटर। और लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? डेथ वैली, -87 मीटर। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एकोंकागू, 6962 मीटर। प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा सा देख लेना यार। और वाल्दीस पेनिसुला है जो सबसे डीपेस्ट लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ का। यूरोप कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है हाईएस्ट पॉइंट इसका? तो माउंट एल्स एल ब्रूस, 5642 मीटर हाइट है इसकी। और कैस्पियन सी इसका डीपेस्ट पॉइंट है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट पॉइंट है विंसन मासिफ, 4897 मीटर इसकी हाइट है। और बेंटली सब ग्लेशियल ट्रेंच जो है उसकी डीपेस्ट पॉइंट है, ये देखो -2538 मीटर डेप डीप है। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो कोसिकाको क्या नाम है यार ये कोसिकाको, 2228 मीटर। कुछ बुक्स में इसकी जो डेप्थ हाइट है वो टू टू थर्टी मीटर हाइट है इसकी, हाईएस्ट पॉइंट है ये। और लेक एयर डीपेस्ट या लोएस्ट पॉइंट अपन कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का, -16 मीटर इसकी डेप्थ है। ठीक है, तो ये थे कुछ हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ऑल कॉन्टिनेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे गाइज़।